Welcome back, guys. So today I will talk about how you should introduce yourself to someone, right? Let's say you are in the interview and you need to introduce yourself. आप किसी interview में जाते हो या फिर आप किसी नए जगह पे जाते हो तो आपको कैसे अपने बारे में बताना चाहिए, right? So आप शुरू कर सकते हो. First of all, I would like to thank you for giving this opportunity to इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मतलब सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना परिचय देने के लिए परिचय देने के लिए कहा, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मतलब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है अपने बारे में कहने के लिए. माई सेल्फ राम, मैं मेरा नाम ये है. वॉट एवर नाम यू हैव, नेम यू हैव. I am from Bihar. Then talk about from which place you belong to. मतलब आपका घर कहाँ पे है. I am from Bihar. I have completed my BE in mechanical from ACC College Bangalore with 70%. जो मेरा qualification है वो मैं mechanical engineer हूँ. And मेरा college ACC College Bangalore में है. And जो aggregate से मैंने pass किया वो 70% है. I have completed my BE in mechanical from ACC College Bangalore with 70%. I did my 12th from ITS school Bihar, right? जो मैंने 12th किया है वो ITS school से किया है with 68%. जो मेरा aggregate है वो 68% है. And 10th with 80%. और जो मैंने 10th किया है वो aggregate 80% के साथ किया है. कमिंग टू माई फैमिली, आई हैव फैमिली ऑफ 5 मेम्बर्स. जो मेरे परिवार हैं उसमें 5 सदस्य हैं. आई हैव अ फैमिली ऑफ 5 मेम्बर्स. माई फादर वर्किंग एज ए बिजनेस मैन. मेरे पिताजी बिजनेस मैन हैं. माई मदर इज अ स्कूल टीचर. माई मदर इज अ स्कूल टीचर. मेरी जो माँ है वो स्कूल टीचर है. एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स. और मेरे 2 सिबलिंग्स हैं. मतलब मेरे 2 भाई बहन हैं. My strength is my attitude, positive thinking, good work and adaptable person. जो मेरा strength है, जो मेरी ताकत है, वो मेरा attitude, स्वभाव, मेरी positive thinking, जो मेरा good work and adaptable person. Adaptable person in the sense of, let's say you adapt yourself based on any situations, we call it as a adaptable persons. Like in any situations, in any circumstance, यू कैन अडाप्ट योर सेल्फ. मतलब किसी भी आप परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हो किसी भी परिस्थिति में, तो हम लोग उसको अडाप्टेबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है. माई स्ट्रेंथ इज माई एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, गुड वर्क एंड अडाप्टेबल पर्सन. माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर कंपनी. जो मेरा अभी जो गोल है, शॉर्ट टर्म गोल, जो मेरा छोटा गोल है, जो छोटा मेरा टारगेट है, जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो मेरा ये टारगेट है कि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लेना है. माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट. माई हॉबीज आर रीडिंग स्टोरीज बुक, वॉचिंग मूवी एंड प्लेइंग क्रिकेट. जो मेरा हॉबीज है, राइट, वो रीडिंग स्टोरीज बुक. मतलब मैं स्टोरीज बुक पढ़ता हूँ, मूवी देखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, राइट. आई एम गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लव टू सॉल्व पजल. आई एम गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो वट डज मीन बाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब होता है कि यदि कोई आपको कोई मैथमेटिक्स देता है, या फिर कोई आपको लेट्स से पजल देता है, या फिर कोई आपको ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिसमें बहुत ब्रेन लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. जो भी प्रॉब्लम आप ब्रेन लगा के सॉल्व करते हो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. वो मैथ्स भी हो सकता है, वो फिजिक्स भी हो सकता है, वो पजल भी हो सकता है, वो बायोलॉजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो यू कैन से दैट इफ यू आर गुड इन दैट, यू कैन से दैट आई एम गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लव टू सॉल्व पजल. जो पजल जो भी होता है वो हम काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं उसको सॉल्व करना, राइट. सो यू शुड कवर दिस थिंग्स वेन एवर यू आर सेइंग योर सेल्फ टू समबडी, स्पेशली इन द इंटरव्यू. यू शुड कवर ऑल द पॉइंट्स, राइट, सो दैट यू नो द पर्सन हु इज आस्किंग यू टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ही विल कम टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, ही विल कम टू नो अबाउट योर फैमिली, ही विल कम टू नो अबाउट योर एजुकेशन, ही विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट योर what is your strength, what is your short term goal, what is your hobbies, right. So that's how we should speak, right. And I think if you watch 2-3 times you'll be able to speak this. Thank you guys, thank you for watching this. Hope you like this video. If you like it, hit like button and subscribe my YouTube channel. Thank you once again, and this is my Facebook page in the down, so you guys can like my Facebook page.
थैंक यू।